और बच्चा लोग कैसे हो? घर में डिनर हो या लंच हो, खाने के बाद अगर आपको माउथ फ्रेशनर खाने की आदत है तो उसे आप जरूर बनाइए। और आज तो हम आपको ये बताएंगे कि आप होममेड माउथ फ्रेशनर कैसे बनाएं। मार्केट का बहुत महंगा मुखवास खाने की कोई जरूरत नहीं, आप घर में मार्केट से ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। इसको आप थोड़ा थोड़ा फ्रेश ही बनाइए, बहुत ही बढ़िया बनता है, जो खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 15 मीठे पान। जो मीठे पान होते हैं वो आराम से मिल जाते हैं, और इसमें जो लंबी सी डंडी होती है इसे हमें अच्छे से काटना होता है, उसे हमें यूज़ नहीं करना है। इन सारे पान के पत्तों को हमें वॉश करना है। वॉश करने के बाद एक कपड़े से पोंछ लेना है। अब इन्हें बारीक बारीक करके काट लीजिए। इस तरीके से बारीक बारीक काटेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको इस माउथ फ्रेशनर को काफ़ी लंबा रखना है तो आप इस कटी हुई बारीक बारीक पत्तियों को पंखे के नीचे सुखा भी सकते हैं, पर मैं आज ताजी पत्तियों का माउथ फ्रेशनर बना रही हूँ। माउथ फ्रेशनर से हमारा डाइजेशन अच्छा रहता है, और माउथ फ्रेशनर है तो सबको टेस्ट भी बहुत पसंद आता है, और जो चीज़ें होती हैं वो भी सारी हेल्दी होती हैं और आराम से हर जगह मिल जाती हैं। ये देखिए, ये ड्राई पत्तियां हैं जो मैंने पहले से ड्राई करके रखी हैं। अगर आपको लंबे समय तक ये मुखवास को रखना है तो इस तरीके से ड्राई पत्तियों से बना सकते हैं आप। अब इसके अंदर जो सामान जाएगा उसे हम सेक लेते हैं। यहाँ लिया है मैंने खरबूजे के बीज या तरबूज के बीज, जो भी आप लें, मैंने अभी तरबूज के बीज लिए हैं। ये 1/4 कप ले लिए हैं और इन्हें मैं सेक लेती हूँ। इससे ये क्रिस्पी भी लगेंगे और फूल से जाएंगे तो खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। इनमें अगर कुछ पीस पीले पीले हो गए हों तो उन्हें आप निकाल लीजिए। ये देखिए, इनमें चटकने की आवाज़ आ गई, इन्हें हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर ले रही हूँ मैं सौंफ। मुखवास में हमेशा सौंफ बारीक वाली यूज़ करनी चाहिए, ये है 3 टेबल स्पून। इन्हें भी हम बहुत थोड़ा सा सेक लेते हैं। सौंफ को हमें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। ये है धना दाल, ये भी मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया है। इसे भी हम हल्का सा सेक लेते हैं। ये सारा सामान आपको एक ही जगह मिल जाएगा, वो मैं अभी लास्ट में आपको बताऊंगी। ये देखिए, मैंने एक बाउल में बारीक कटा हुआ पान रख लिया है, ये ताज़ा पान है। यहाँ मैं ले रही हूँ 3 टेबल स्पून गुलकंद। ये होममेड अगर आपके पास है तो वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप बाहर से लेकर डाल दीजिए। यहाँ ले रही हूँ 3 टेबल स्पून सल्ली सुपारी, जो लंबी पतली सुपारी होती है, इसे आप डाल दीजिए। यहाँ लीजिए 3 टेबल स्पून कलरफुल चेरी, अगर आपके पास होममेड है तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ लिया है मीठी सौंफ, वो भी 2 से 3 टेबल स्पून है। 1 चम्मच इलायची पाउडर, ये है चटनी, ये है पान की चटनी, ये काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसमें पेपरमेंट का काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है। इसे आप मनचाहा आधा चम्मच या उससे थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। अब जो हमने चीज़ें सेक के रखी हैं, जैसे सौंफ, बीज और धना दाल, इन सबको हम मिक्स कर लेते हैं। ये सारा काम आप सूखे पान के साथ भी कर सकते थे। यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच भर के रोज़ वाटर, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ये काफ़ी मॉइस्ट रहेगा। तो देखा बच्चों, कितनी जल्दी ये माउथ फ्रेशनर बनकर तैयार हुआ है। इसे किसी जार में भरकर फ्रिज में रख दीजिए और जिसे भी खिलाएंगे आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँगी कि ये पान का सामान, ये जो मुखवास का सामान है, ये कहाँ मिल जाएगा। पान के पत्ते तो आपको पता है कि जहाँ फूल वाले बैठते हैं वहीं पान के पत्ते भी वाले भी बैठते हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। और बाकी जो सारा सामान है, या तो किसी पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा, या जो सुपारी, खूब सारी सुपारी रखते हैं वहाँ पर मिल जाएगा, और नहीं तो आसपास आपके पास कोई पान की शॉप हो उससे आप पूछ लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी कि आपको ये सामान कहाँ मिलेगा। तो वहाँ से खरीदिए और बहुत ही कम रेट में इसे बनाइए और इन्जॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को।